ज्यों तो कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, मगर बुधवार को प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद व वीरवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन भरने के बाद अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज शनिवार को भवानी पठानिया ने स्थाना, जागीर व मछोट में प्रचार करते हुए समर्थन मांगा। इस मौके पर लोगों से वोट मांगते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर चोट की। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार महंगाई को लेकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई है, उसने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल व सरसों के तेल आदि चीजों के दाम आसमान पर हैं, पर प्रदेश सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। जिन झूठे वायदों से भाजपा सत्ता में आई थी, अब प्रदेश की जनता उन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। कल असा अपनी घरेलू पंचायतों की शुरुआत की, उसके बाद मेरे साबे ने मैं स्थानीय भी अपना घर ही मनना, पिता जी मेरा ख्याल इतू ज्यादा ही रेंगे तो दूआ फिर असा बोले कि अगला दिन जरा त्रीया नराता है, अज असा स्थाने की बैठ जी कर लें। तो मैं सारे यही बोला ना कि इलेक्शन दो प्रकार के होंगे, एक जरा नॉर्मल इलेक्शन होंगे कल कुछ की सरकार नहीं होंगी, दो प्रत्याशी तीन प्रत्याशी खड़ोते होंगे इलेक्शन होने, एक होंगे बाई इलेक्शन जरा कि यह वाला हुआ था। इस टाइम जी सरकार है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। हूँ जो सरकार थोड़ी अपनी होंगी है ना, तो होंगे क्या कि सारी की सारी पावर सारी ताकत जी सरकार है, जितने भी थोड़े डीसी कांगड़ा, थोड़ा एसडीएम फतेहपुर, थोड़े एसएचओ, थोड़े मतलब डीएसपी, ये सारे सरकार का ही जो बोलते सर उसी हिसाब ने काम करते। उसके अलावा सरकार क्या करती है कि अपने सारे मंत्रियों से इतू भेज दी, कहने इन मंत्रियों तू बह के फिर तो की ना मतलब बखरिया बखरिया चीजा बोलनी स्टार्ट करनी है। 2009 च एक बाई इलेक्शन होया हा पिता जी का, तलू बलदेव चौधरी जी इतू से लड़ा रहे, तो उस टाइम भी हर पंजा पंचायतों पर एक मंत्री इतू बैठा हा, तो सह डिपुआ वंडी गए, सह मतलब थकी गैस एजेंसियां वंडी गए, सह पेट्रोल पंप वंडी गए, मुख्यमंत्री है सह 45 ट्यूबवैल वंडी गए, हूं सह पत्थर लगे हो पत्थर सामने डॉक्टर साहब ने बैठे धरना देख के, पर ट्यूबवैल कोई नहीं लगा। बोलने का मतलब यह है कि तेरा करना इस बारी भी सही है, पर तुझा ज्यादा समझदार आ। इन्हों का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 4 साल का भी यही है कि सब कुछ बोली जाते, मतलब जी सारे से पहले अच्छे दिन बोले तो खैर नहीं आने, पर जड़िया बाकी छोटी छोटी चीजें भी बोलिया गई सह भी नहीं आदि। तो थोड़ा जो साकी जरा सजग रहना पौना, क्योंकि सरकार के खिलाफ इलेक्शन जो है हमेशा मुश्किल ही होंगे, कहीं साड़ा मुकाबला जो किसी प्रत्याशी ने नहीं। मैं नहीं बोला कि असर डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा दें या असा बलदेव ठाकुर जी ने इलेक्शन लड़ा दें, असं इलेक्शन लड़ा दें सरकार के खिलाफ, तो उस थोड़ा सहयोग जरूर चाहिए, क्योंकि सिर्फ सहयोग ही नहीं चाहिए। तुसा इतों आया था मतलब मैं उम्मीद करना वोट तो थोड़ा है ही है, पर दूसरी गल है कि जे असा एक वोट भी होर बधाई सकीए ना, ये साड़ियां बैठा जड़ियां ने बड़ियां स्ट्रोंग ने, ताकि कोई प्रॉब्लम है नहीं इतों। जे साड़ी रिश्तेदारी तलाड़े पास है, रहने पास है, मतलब कंदौर मिंता उथी भी जो साड़ी जान पछाण है ना, जे तो अकी लगता थोड़ा कैंडिडेट ठीक है कने काम करेगा, तो तुसा यही तरह बोलना कि जी मुन्नू ठीक है साड़ा कने वोट पाई नहीं साड़े खिलाने पर, तो यह सहयोग जो है थोड़ा जरूर चाहिए होना इस इलेक्शन च। क्योंकि मैं तुहानू सही दसना कि यह इलेक्शन जोड़ा है थोड़ा मतलब थोड़ा जहा मुश्किल होना, क्योंकि सरकार इस सीधी सीधी इन्वॉल्व है। आखिरी गल जियां कि चिंदा भाई ने भी बोलिया, कने मेरा ख्याल सारे इको पॉइंट बोला दे, क्योंकि पॉइंट जेडे ने मतलब साढ़े बिल्कुल दिले के करीब पाए ना, इं बड़ी बढ़ी गया डीजल कने पेट्रोल 36 रुपये का असं लेके आने, 4 रुपये उसके उपर खर्च करने, उसके उपर 38 रुपये टैक्स लाइने, तो सह असा जरा अगे कराने, ये टैक्स 5 रुपये होंगे हा 2014 च, 50 रुपये का टैक्स बधाई था 38 रुपये पर, तो यह जितनी भी महंगाई है ये आपू करा देन। तो लोग इतने परेशान ने, मेरा ख्याल कल परसों एक मीटिंग ही एक बुजुर्ग बैठे हुए इतना बोलिया कि मुन्नू राजमा खाते हो 3 महीने हुई है 145 रुपये, मतलब सच्चाई है, मतलब वाकई सच्चाई है। पर यह दिखा जल भाव बता तो होंगे ना, तो यह कह बता दा कि मोदी जी को पूरा विश्वास है कि मैं कुछ भी कर लें है, इन्हें चुपचाप बैठे रहना सही है, थप्पड़ मार दे नोटबंदी का असा देना और वोट दे, है कि नहीं, तो सह मतलब तेना का तो हौसला बदना ही है ना,
ਸਹਿ ਜੋ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਪੁੱਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ 800 ਦਾ ਅਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ 900 ਦਾ ਅਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿ ਅਸਾਂ ਕਰਾਏਂਗੇ ਵੱਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬਚੇ ਹੋਣ ਉਂਝੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬੜੂਖਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 33 KV ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿੰਦੀ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ 33 KV ਲਾਈਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਹੈ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਾਦਾ ਮਤਲਬ 24-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਕਿ ਸਹਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਤਿੱਥੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਹੀ ਟਰਮ ਆਉ ਹੈ ਅਗਲੇ हिमाचल प्रदेश न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब। Oh, 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 oh